द बिगेस्ट पुलाव इन पाकिस्तान. 1, 2, 3. सत श्री अकाल जी. सिर्फ $6 में आपको प्योर चैंपियन. हेलो गाइस, वेलकम बैक. आज जो है पाकिस्तान में हमारा पहला व्लॉग, जो कि मेरा सबसे फेवरेट, बहुत ही कदीम पुराना हिस्टोरिक सिटी है और बहुत ही हॉस्पिटैलिटी है वहाँ की, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं. और जो के कौन सा सिटी है भाई? पिशावर. तो आज चलते हैं पिशावर इस्लामाबाद से. अभी अराउंड 8:30 का टाइम है, 10 o'clock हम वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ बड़े मजे के खाने हमने ट्राई करने. ये पिशावर के रास्ते में जो है तो वॉशरूम हम करने के लिए आए हैं, तो ये 50 rupees चार्ज करते हैं. कहते हैं बहुत बड़ी फैसिलिटीज हैं और रियली यस जबरदस्त. सो बॉयज, आर यू रेडी? हाँ बिल्कुल रेडी हैं, बट आप करेंगे व्लॉगिंग, हम खाएंगे खाना. अस्सलाम वालेकुम. लास्ट टाइम है हमारा. लास्ट टाइम है? हाँ. किस टाइम आप आते हैं? हमारा फजर के नमाज के स्टार्ट होता है. ओ, तो हम लेट हो गए. आपका काम कुछ गुजारा कर लूँगा. तो एनीवेज व्यूअर्स, आपने देखा कि बिल्कुल ये फजर की नमाज के बाद आते हैं और अभी तो इनका काम, कहते हैं दिहाड़ भी पूरी जो इन्होंने दिन ख़त्म कर दिए, लेकिन जो कुछ हो सकता है तो फिर हम ट्राई करते हैं और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं. खालिस, बिल्कुल प्योर. तो कितने सालों से ये पुराना बिजनेस है आपका काम? ये तो 200 साल. 5वीं पीढ़ी. ये आपने भी काफ़ी जगहों पे खाए होंगे, देखे होंगे, लेकिन इसका जो कलर है, यहाँ पेशावर के मशहूर सिरी पाए. ये पूरा लाइन में तमाम जो है रेस्टोरेंट्स हैं जो कि 24 hours खुले रहते हैं. करखानो मार्केट के बिल्कुल साथ में है, जहाँ पर आपको प्योर दुम्बे का जो है गोश्त, ये पट्टे हैं, चांपे हैं, जिसको बिल्कुल फ्रेश मीट के साथ, साल्ट के साथ, नमक के साथ जो है बनाया जाता है, जिसमें बिल्कुल भी मसाले और ऑयल नहीं यूज़ होता. आगे चलते हैं, देखते हैं कि किलो कढ़ाई किस तरह है. 1700 का आपको प्योर दुम्बे का गोश्त मिलेगा. लाइन में देखें, यहाँ पर हर तरफ जिधर जिधर निगाह जाएगी वहाँ पर आपको प्योर गोश्त नज़र आएगा. एक मुनफरिद तरीका है इनका पकाने का, जो कि सिर्फ पेशावर में है और बाकी किसी भी जगह आपको पूरे पाकिस्तान, एशिया में नहीं नज़र आएगा. इसको तैयार करें रात के लिए, और रात 7 बजे से लेकर रात 2 बजे तक बड़ी बड़ी यहाँ पर ऑर्डर्स आते हैं. आप कितना माशाल्लाह गोश्त खा लेते हैं अकेले? 1.5 किलो तो खा लेते हैं. 1.5-2 किलो खा लेते हैं. पर इतना फूड ही ऐसा है कि आराम से बहुत हद से ज़्यादा टेस्ट जी. 1 किलो किस तरह चाम? 1 किलो 1700. अच्छा, 1700 कढ़ाई भी चाम भी? सिर्फ $6 में आपको प्योर चाम्पे. आप देख रहे हैं कि रोटियों पे रोटियां निकल रही हैं. आई थिंक अराउंड 5 to 8,000 रोज ये रोटी निकालते होंगे. लस्सी भी ढूंढ ली है बाबा जी की. ऐ रख, ठंड पे जानी है हूँ, से बहुत गर्मी लग गई है सारे तिक्के. ओ तेरी खैर यार, कमाल कमाल कर दिया उन्होंने. सत श्री अकाल जी. 47 से पहले हम इधर से थे. ये महसूस हमको नहीं होता कि ये मुस्लिम है, ये कोई ईसाई है, सब एक जैसा. आपके साथ कभी कोई ऐसा कोई इशू नहीं? बहुत खुश हुआ आपसे मिलकर. ये आ गया जी फ्रूट चाट. इसके अंदर अनार भी है, बादाम भी हैं, किशमिश भी है, केला भी, सेब भी, तरह तरह. ये खीर. अभी जो है नमक मसाला और अपना पूरा जो है इनकी रेसिपी है पेशावरी स्टाइल में शनवारी रेस्टोरेंट पर. Thank you.
60 केजी राइस बनाने के लिए सबसे पहले सालन वाला शोरबा इन्होंने तैयार किया हुआ था वो इसमें डाला, फिर उसके बाद ऑयल और बाकी इनकी जो रेसिपी है। अच्छा 30 मिनट्स तक इसकी मूवमेंट है और इसको फिर दम के लिए रखेंगे, तो ये टोटल अराउंड 1.5 आवर इसका लगता है और ये उसके बाद तैयार होता है। तो हम वेट करते हैं और आपको फिर दिखाते हैं शनवारी राइस, जो कि सिर्फ और सिर्फ शनवारी प्योर शनवारी रेस्टोरेंट पेशावर में आपको मिलेगा, जिसका एड्रेस हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मस्ट आएँ पेशावर और यहाँ कर आप ज़रूर ट्राई करें। तो फाइनली रेडी हो गया द बिगेस्ट पुलाव इन पाकिस्तान 60 केजी। अभी इसको उठाते हैं, 1 2 3। वाओ लुक एट दिस, कितना सॉफ्ट रेशम वाला, ये ज़बरदस्त। ये चावल खुद इसका कलर इटसेल्फ दिखा रहे कि कितना ये टेस्टफुल होगा, जब पूरा दिन गुजरने के बाद जो भूख लगी हुई अभी, ओहो। ये पूरा नली वाला स्पेशल, ये गोश्त जो के पूरी रात से उबलता रहते हैं तैयार किए हुए। तो राइस, सालन वाले राइस, नली वाला गोश्त और साथ में गाजर का मेवा, तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन जब बनता है तो फिर ये पूरी डिश तैयार होती है। तो लेट्स सी, गाजर का मेवा, यस ज़बरदस्त। स्पेशली हर पीस के अंदर टेस्ट है, ज़बरदस्त। फाइनली जो है आपने देखा पूरा प्रोसेस। नवीद भाई क्या बोलते थे, बाकी बातें बाद में, बस जिसको जो है ना पहले खाना है। हाय हाय हाय, वाह टेंडर बीफ प्योर, साथ में रायता। अगर हेल्दी खाने आपने खाने हैं तो रियली देयर इज नो अदर प्लेस देन पेशावर। आप इसके टेस्ट को कितना रेट करेंगे? 10 out of 10। ये ओनली वन प्लेस है अभी तक मेरी यूट्यूब जर्नी में जिसको मैं 10 out of 10 कह सकता हूँ। तो लुकमान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपके इतना मेहमान नवाजी की, हमें इतना टाइम दिया आपने, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ के। आप लोगों का शुक्रिया किया भाई, और हमारी इतनी जो है ना हौसला अफजाई की, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया, और कोई खिदमत? बड़ी मेहरबानी। कैसे हैं आप, खैरियत? अल्लाह करे। फलूदा और जूस, फलूदा और जूस और खीर, खीर भी साथ फलूदे में देते हैं। ये हर जगह मैंने देखी है, बहुत ज़्यादा, क्यों है ये? बाजार इसी चीज़ पे मशहूर है, फलूदा और खीर पे। अच्छा, ये पेशावर की सबसे मशहूर चीज़ है। फिर फलूदा हमें ट्राई करवाएं? बिल्कुल बेशक, ज़बरदस्त सा। चलें फलूदा ट्राई करते हैं, और हम बनाते हैं खालिस खोए और दूध से। ₹7 में मुझे याद है, 3 में याद नहीं है, लेकिन 7 में याद है। अब जो है तो ₹120 का हो गया। सोचे कि ये तकरीबन 50 साल पुराना आइटम है, 50 साल। बहुत सी चीज़ें मशहूर हैं पेशावर में, अपनी अपनी बहुत सी हैं, मैं गिनने लगूँ तो मतलब ख़त्म नहीं होंगे नंबर। हाँ बिल्कुल, नंबर नहीं है। मतलब ये ऐसी जगह पेशावर के आपको कई बार आना पड़ेगा, एक बार में आप कवर ही नहीं कर सकते। अगर किसी ने बचपन में खाई हो ना, बचपन में, और अभी उसकी उम्र 60 साल हो और वो गलती से किसा खानी आ जाए, तो वो इसी फलूदे के पीछे फिरेगा कि आज से 60 साल पहले मैंने यहाँ पे फलूदा खाया था, और वो किधर मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं।